Now we learn about Wind Poem. Wind Poem is written by Subramanya Bharati. She is the poetess of this poem, Wind. In this poem, poetess describes that she also asks to wind. She also treat wind like her friend. She also comes in contact with the wind. And the poetess also asks to wind to be friends. The wind blows strongly. एक हवा का झोंका तेज से आता है एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन और इतनी तबाही मचा देता है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? तो हम इस विंड से कैसे दोस्त बन सकते हैं, इस विंड के कैसे दोस्त बन सकते हैं? क्योंकि दोस्त तो आपकी हेल्प करते हैं, आपके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, ना कि आपका कुछ सेक्रीफाइस करते हैं. तो पोइटस कहती है विंड को, अरे तुम तो इतनी तेज़ आती हो, तुम इतनी तेज़ आती हो कि तुम ना इतनी तबाही मचा देती हो, तुम इतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देती हो. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? तो तुम और मैं कैसे दोस्त बन सकते हैं? विंड कम सॉफ्टली. अरे विंड आराम से आओ ना. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. मेरे घर की खिड़कियों के जो शटर्स हैं, दरवाजे, उन्हें मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर. अरे जो टेबल पर मेरे पेपर्स पड़े हैं उसको स्कैटर मत करो, मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. अरे जो मेरे शेल्फ पर मेरी बुक्स पड़ी हैं उसे नीचे मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड. अरे देखो तो तुमने क्या क्या कर दिया. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने तो सब कुछ ही गिरा दिया. पोएटेस कहती है जब मैं अपने रूम में बैठी होती हूँ, व्हेन आई एम सिटिंग इन द रूम, देन आई ऑल्सो सी दैट द विंड कम्स through the windows. When wind comes, then the wind also be break the shutter of my window. Wind scatter all my papers. And wind also throw down all my books which is on the shelf. Creating destruction everywhere. Now she said to the wind, please come softly. अरे आराम से आया करो. इतनी तेज क्यों आती हो कि मेरे जो विंडोज़ के शटर हैं उनको भी तोड़ देती हो, पेपर्स को भी बिखार देती हो, यहाँ तक कि तुम पेपर्स को बिखेरने के साथ साथ मेरी बुक्स तक को, जो भारी भारी बुक्स हैं उन्हें भी गिरा देती हो. पता तुम कितनी तेज़ आती हो? फिर पोएटेस कहती है तुम ना देखो, तुम खुद देखो तुमने क्या क्या गिरा दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने मेरी बुक्स को गिराया तो है, यहाँ तक कि तुमने मेरी बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन. तुम बारिश भी ले आती हो. यू आर वेरी क्लेवर. अरे तुम तो बहुत चलाक हो. एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हो. पोएटेस कहती है विंड को, थोड़ा आराम से आया करो. आती हो, आराम से आओ. इतना डिस्ट्रक्शन क्यों फैला रही हो? क्यों हमें परेशान कर रही हो? तुम कितने क्लेवर हो. तुम आती हो, बुक्स भी गिराती हो, बुक्स के पेजेस को भी फाड़ देती हो, यहाँ तक कि तुम बारिश को भी लेके आ रही हो. तुम कितनी क्लेवर हो. तुम तो इन कमज़ोर लोगों का कितना मजाक उड़ाती हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. जो टूटे फूटे कमज़ोर घर हैं, क्रम्बलिंग डोर्स, उनके टूटे मूटे दरवाजे हैं, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, ये जो टूटी मूटी जो ये जो टूटी हुई जितनी भी राफ्टर्स हैं, क्रम्बलिंग वुड, ये टूटी हुई लकड़ियाँ, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, ये हमारी बिखरी हुई जिंदगी और हमारा बिखरा हुआ शरीर, क्रम्बलिंग हर्ट्स, हमारा वीक हर्ट. तुम इन सब का मजाक उड़ाती हो. तुम इन सबको और कमज़ोर करने आई हो. द विंड गॉड वी नोज एंड क्रशेज दैम ऑल. तुम आती हो और इसको और ज़्यादा डिक्रीज लेवल तक ले जाती हो. तुम इसे कुचलने की कोशिश करती हो, इन सब कमज़ोर चीज़ों को और ख़राब करने की कोशिश करती हो. ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम. तुम मुझे लगता है ये सब कुछ नहीं करोगी अगर मैं तुम्हें ये बात बोलूँ. सो कम. अरे आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. आओ इन कमज़ोर घरों को और कमज़ोर मत करो, बल्कि इनकी जगह काफ़ी स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े घर बनाओ. लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली. अरे आओ कमज़ोर घरों की जगह बड़े ताकत वाले घर बनाओ, मजबूत घर बनाओ. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. अरे लोगों के शरीर को शरीर में ताकत लाने की कोशिश करो, उनके कमज़ोर शरीर को और मत तोड़ो. मेक द हर्ट स्टेट फास्ट. हमारे दिल को, हमारे हर्ट को और मजबूत करो और तेज करो, ताकि हमारा दिल तेज़ गति से चले. डू दिस. अरे ये सब चीज़ें करो एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. तो तुम हमारे मित्र बन सकती हो. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स.
हवा तो कमज़ोर आग को बुझा देती है, ब्लोज आउट होता है बुझा देना, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, तुम स्ट्रॉन्ग फायर बनो, स्ट्रॉन्ग फायर को और रोयर और फ्लोरिश करो और बिखेरो और उसे भड़काओ, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है ना हमारे साथ वो काफ़ी अच्छी है, वी प्रेज हिम एवरी डे, हम तुम्हारी हमेशा प्रेज करते हैं। तो पोइट क्या कहती है, पोइटिस क्या कहती है विंड को, प्लीज़ कम बट इन ए सॉफ्टली वे, डोंट क्रिएट डिस्ट्रक्शन, प्लीज़ बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज, बिल्ड आवर हर्ट इन ए वेरी स्टेडफास्ट वे, प्लीज़ बिल्ड आवर मेक आवर बॉडी सो स्ट्रॉन्ग, प्लीज़ बी आवर फ्रेंड, इफ़ यू क्रिएटिंग डिस्ट्रक्शंस देन हाउ कैन यू बी माई फ्रेंड। तो पोइटिस इसमें विंड को क्या बताती है कि मेरी फ्रेंड बनो और डिस्ट्रक्शन की जगह कंस्ट्रक्शन करो। सो दिस इज़ द पोएम विंड बाय सुब्रमण्य भारती।